गाइस आज मम्मी ना बेसन की करी बनाने जा रही हैं, वो भी चूल्हे पर। मम्मी ने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है। मम्मी ने ना गाजर को बारीक काट लिया है, इसे धुल भी लिया है और कढ़ाई में भी डाल दिया है। पानी डाल दिया इसमें 1 लीटर और 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया मम्मी ने। अब मम्मी चेक कर लेंगी, 5 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी ये बॉयल हो गई है। अब मम्मी इसमें बेसन डाल देंगी। बेसन को मतलब वो उसका बैटर बना रही है बेसन का। मैंने बेसन और इसमें पानी डाल देंगे बेसन में। अब मम्मी इसमें ना मठे को डाल देंगी, छाछ। मम्मी ने इसमें पानी डाल दिया है थोड़ा सा। अब मम्मी ना हरी मिर्च को काट लेंगी। गाइस गाजर तो बॉयल हो चुकी हैं, अच्छे से पक गई हैं। अब मम्मी ना जो छाछ का बेसन का बैटर था ना वो डाल देंगी इसमें। अब मम्मी ना इसमें हल्दी डाल देंगी, हल्दी पाउडर 2 चम्मच डाल दिया है। अब मम्मी ना इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगी, 2 चम्मच डाल दिया है। इसमें धनिया पाउडर डाल दिया मम्मी ने 2 चम्मच। अब इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मम्मी ना हरे धनिया को काट लेंगी करी में डालने के लिए।
गाइस मम्मी ने हरे धनिया को तो काट लिया है। अब मम्मी एंटरटेनमेंट कर रही हैं, बीच में फोन भी चला रही हैं। अब मम्मी ना हरे धनिया को डाल देंगी। गाइस आज मम्मी ना जो मिट्टी का दीपक होता है ना उससे तड़का लगा के दिखाएंगे। देखो मम्मी ने चूल्हे के अंदर एक मिट्टी का दीपक रख दिया है, ये गरम हो गया है मिट्टी का दीपक। अब मम्मी ना मिट्टी के दीपक में ना सरसों का तेल डाल देंगे थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए। सरसों का तेल ना गर्म हो गया है। अब मम्मी ना सरसों के तेल में ना हींग डाल देंगी। मम्मी ने हींग को डाल दिया है, देखो मम्मी ने तड़का लगा दिया। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी ने वो तड़का वाला दीपक था वो निकाल दिया है। गाइस आप लोग भी इसी तरीके से बनाना करी को, फिर आप बताना कमेंट।